अब यहाँ पे भी ग्लू लगा के इसे फिक्स कर लेना है। इस तरह का डिज़ाइन का कैनवास मार्केट में अवेलेबल है। आपको ऐसे तो शॉप वगैरह पे नहीं मिलेगा, ऑनलाइन कुछ लोग बना बना के सेल करते हैं, जैसे मैं अभी बता रही हूँ ऐसे ही कुछ लेडीज़ वगैरह को ऐसे बना बना कर और थोक में सेल करता है लोग। आप लोग भी ऐसे बनाकर ऑनलाइन अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकती हैं। तो आर्ट से रिलेटेड अपनी कला को भी आप लोग दिखा सकती हैं, बिजनेस भी कर सकती हैं और खुद के लिए भी बना सकती हैं। इसको प्रेस करेंगे और ये देखिए कैनवास रेडी हो गया। थोड़ा सा प्रेस कर लिया चारों ओर से ताकि ये पूरा अच्छे से चिपक जाए, क्योंकि हम लोग तुरंत इसको ड्राई होने नहीं दे रहे हैं। तब तक मैं इस पर आप लोगों को बना कर दिखाऊंगी। मैं चाहती तो अगर इसे ऐसे ही पहले से बना कर आप लोगों को फिर से डायरेक्ट पेंट करके भी बता सकती थी वर्कशॉप में, बट मैं आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, घर पर चीज़ों से बन जाते हैं, तो ये मैंने बता दिया आपको। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका पेंट करना। इसके लिए राउंड ब्रश हमें चाहिए और पेंसिल वगैरह से आप लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत छोटा है तो कमल का लोटस सबको बनाने आता है और इसमें कोई ऐसा नहीं है इशू कि आपको एकदम परफेक्ट ही बनाना है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट पेंट करके ही इसको बना रही हूँ। आप लोग पहले स्केच कर लीजिएगा। फर्स्टली वाइट कोट इस पे दे देना चाहिए, उसके बाद से हमें बनाना चाहिए, लेकिन सूखने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी चलिए मैं यहाँ पे एक कोट थोड़ा ड्राई थीम पे दे दे रही हूँ। अगर ये नहीं ड्राई होगा तो मैं बैक साइड में बना लूँगी। वाइट ब्लैक आप लोग बेस कर सकते हैं, मैंने जो रेफरेंस शेयर किया था वो ब्लैक पे था, बट यहाँ मैं ब्लैक नहीं कर रही हूँ क्योंकि ब्लैक ड्राई नहीं होगा तो फिर सारे कलर कोई भी कलर उस पर चढ़ेगा ही नहीं लाइव में, जब तक वो ड्राई ना हो जाए, तो इसलिए मैं वाइट पे ही बनाऊँगी, इसलिए मैंने बेस को वाइट कर दिया। ओके देखिए पूरा हो गया। अब यहाँ पे पर्पल या रेड दो कलर से आप लोग इसे पेंट कमल का बना सकते हैं फ्लावर, और यहाँ पे मार्कर से भी आप लोग ड्रॉ करके उसके ऊपर फिल कर सकते हैं, ये भी एक इजी प्रोसेस है। आप लोग को अच्छे से दिखे इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिरर को कैमरे को
मैंने डाउन किया है। यहाँ पे मैं यहाँ पे लेस लगाने वाली हूँ, तो इतनी साइज में मुझे बना लेना है। लीफ बनाऊंगी मैं पहले, जैसे स्कूल वगैरह में हम लोग कमल का फूल बनाते थे ना ड्राइंग सेशन में, तो वैसे ही हमें यहाँ पे वही वाला हमें लोटस का डिज़ाइन बनाना है। मैं दिखा रही हूँ बना के, काफ़ी छोटा है तो आप लोग को जूम किया मैंने, देखिए देखिए इस तरीके से एक लोटस बनाया। ये पेंडेंट बना रही ज्वेलरी बना रही हूँ, थोड़ा सा एक नीचे भी बना दिया लीफ, इसको ग्रीन से भी करेंगे शेड के लिए। यहाँ पे इसको ग्रीन भी हम लोग इसके ऊपर करेंगे। थ्री लोटस मैं बनाऊंगी यहाँ पे, तो इस तरीके से लाइन दे दिया मैंने। ओके, अब यहाँ पे चेंज करेंगे कलर, तो यहाँ रेड कलर मैं ले रही हूँ और यहाँ पे छोटा वाला बनाना है। ओके, छोटा सा लोटस बनाना है। ऐसे ही इधर भी मैंने बना लिया। देखिए एक मैंने पहना हुआ है जामिनी रॉय का स्टाइल में ये ज्वेलरी है, बट ये लोटस वाला दूसरा है और जो मैंने पहना है बर्ड वाला। अब रेड और पर्पल का वर्क हो गया, अब हम लोग इसका आउटलाइन और दूसरे कलर से हम लोग इसके आगे का प्रोसेस करेंगे। अब मैं ब्रश को क्लीन कर लेती हूँ। बहुत जल्दी बन जाएगा ये। अब यहाँ पे ब्लू टर्क्वाइज ब्लू है, पर्शियन ब्लू, कोई भी ब्लू आप लोग ले सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन हमें बनाना है। ओके, अब ब्लू को बंद कर लेते हैं। यहाँ से ग्रीन का भी वर्क होगा, येलो भी लगा लेते हैं। लेमन येलो मैंने यहाँ यूज किया है छोटा सा। एक लीफ बना दिया येलो से भी, येलो ग्रीन मिक्स करके।
अब ग्रीन कलर यूज करेंगे। यहाँ पे ग्रीन लीफ बनाया लोटस के नीचे ग्रीन कलर से। यहाँ भी दे दिया। अब ये जो डाली बनाया था हम लोग डंडल, उस पे भी हम लोग साइड से ग्रीन दे दिया। अब इसका आउटलाइन हम लोग करेंगे, मैं दिखा रही हूँ। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, ले लीजिए। आप लोग भी बनाइए। हम लोग ब्लैक कलर से आउटलाइन देंगे। आप लोग शेड से भी बना सकते हैं या फिर कोई और भी कलर से या मार्कर से भी आउटलाइन दे सकते हैं। मैं इसको बोल्ड दिखाने के लिए आउटलाइन दे रही हूँ और ब्लैक बेस नहीं दिया, तो इस तरीके से करने पे ये बोल्ड दिखेगा। ओके, देखिए अब ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है आउटलाइन से। जैसे मैंने पीकॉक पहना है वैसे ये लोटस हो गया। ट्रेडिशनल चीज़ ही बनाना है, जैसे फिश बना दी, मधुबनी का फिश हम लोग बना सकते हैं इस पे। कई बार मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है फिश का। कल भी मैं एक कल कर रही हूँ सॉरी परसों मैं आप लोगों को व्हाट्सएप जो लेकर आऊँगी टूट पैक पे, मैं फिश बनाना सिखाऊंगी मधुबनी का। तो उस वो चीज़ भी आप लोग ज्वेलरी पे बना सकते हैं। बट मैंने ये जो व्हाट्सएप मैं करा रही हूँ तो आप लोगों को लोटस ही बना के मुझे पिक सेंड करनी है, फिर सर्टिफिकेट आपको मिलेगा फेविक्रिल की तरफ से। एक बार ये बन जाए पेंट हो जाए तो फिर बहुत आसानी से ये बन जाता है। देखिए मैंने इतना जल्दी जल्दी आपको कैनवास भी बना दिया, इसका डिज़ाइन भी बना दिया है ना जी। और मार्केट में ये चीज़ आप लोग खरीदने जाएंगे तो आप लोग को ये 1000 से स्टार्टिंग मिलेगा आपको 5000 तक। का मैं ब्लैक इस साइड से बॉर्डर दे दे रही हूँ, जब क्योंकि मैंने थीम इसमें बॉर्डर किया हुआ है ना ब्लैक का, तो
तो थीम से रिलेटेड चीज़ इस करनी चाहिए। इसे अच्छा लगेगा। चलिए ये तो हो गया रेडी। अब इसका हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये सारे कलर्स मैंने यूज किया इसमें। ओके देखिए इस साइज मैंने इसी के अकॉर्डिंग बनाया है, दिख रहा है आप लोग को। देखिए है ना कुछ इस तरह का लुक आएगा। अब हम लोग रेस लिया है मैंने, आप थ्रेड भी ले सकते हैं रेशम का या कोई भी डोरी का, या फिर आप लोग पर्ल से या फिर मालवेट से मोती बनाकर आप लोग पर्ल बनाकर इसे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ज्वेलरी है तो थोड़ा लुक गोल्डन वगैरह आए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लेस लगाऊंगी मैं। तो इस तरीके से देखिए इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी, और ये इसी से मैं डोरी का काम करूँगी। इसको चिपकाना हम लोग शुरू करते हैं। इसके लिए लिया है मैंने फेविकोल एमर, फैब्रिक ग्लू भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इस तरीके से सुनीता जी बोल रही हैं, नाइस थैंक यू। देखिए इस तरीके से ये पेंडेंट रेडी हो गया। अब जितना हाइट का, देखिए ये छोटा मैंने बनाया है, आप इसे भी लॉन्ग यहाँ तक भी बना सकते हैं आप लोग लेस से। ये पूरा गोल्डन ये इस तरीके से जितने भी हाइट आपको चाहिए आप इस तरीके से मेजरमेंट करके आप लोग बना सकते हैं। ओके मैं इसे थोड़ा बड़ा बना रही हूँ, या फिर आप लोग यहाँ तक भी रख सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कट कर लूँगी। और लेस सूखने में टाइम लगता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें, चाहे आप लोग फैब्रिक ग्लू से या फिर फेविकोल एमआर से बना रहे हैं। तो जब लेस लगाएं तो उसको आप लोग डिस्टर्ब थोड़ा भी ना करें। मैं बिना कटिंग के इसको डायरेक्ट यहाँ पे बना रही हूँ, तो उसको थोड़ा दिक्कत आएगा, बट बहुत ज़्यादा कट करने पर पीछे से वो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने ऐसे किया है। आप लोग कट कर लीजिएगा, आप लोगों को चिपकाने में दिक्कत आए तो।
इसको थोड़ा सा प्रेस करके हम लोग छोड़ देंगे ना, तो अच्छे से चिपक जाएगा। यहाँ मैंने ग्लू नहीं लगाया था, तो यहाँ भी लगा लेते हैं। अभी से हम लोग को प्रेस कर देना है। ओके, इस तरीके से ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ है अभी। देखिए ये रेडी हो गया। तो आज का वर्कशॉप कंप्लीट हुआ और मैं 20